हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सोनी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बासी रोटी से एकदम नई रेसिपी, और आपने शायद इसे पहले कभी देखा होगा। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो प्याज और अदरक और लहसुन और हरी मिर्च ली है, और थोड़ी सी धनिया ली है, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के इसे हम कूट लेंगे। नमक चाहे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, हमने इसी में डाल के कूट लिया है। और उसके बाद इसी तरह से प्याज काट लेंगे और बारीक धनिया काट लेंगे। और फ्रेंड्स, आप इसे एक बार बनाइए, बहुत ही टेस्टी बना था ये, और एकदम अलग न्यू रेसिपी है, और बच्चों को तो खास तौर से बहुत ही पसंद आएगा। ये मेरे बेटे बहुत ही मन से खाए हैं। चाय के साथ आप शाम के टाइम कभी भी इसे बना सकते हैं, और बनाने में भी टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे मैं एक कप बेसन ली हूँ, उसमें कुछ मसाले मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे गरम मसाले और हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और जो मैंने पेस्ट अभी कूटा था उसको डाल देंगे। और प्याज को हम हाथों से ऐसे मसल के डाल देंगे ताकि ये बेसन में जाके अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद इसमें बारीक जो कटी हुई धनिया थी उसको डाल देंगे, और अब थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम मिक्स करेंगे। हमें पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, लगभग आधे कप जितना हमें पानी लगा होगा इसमें। और हमें बैटर एकदम गाढ़ा ही रखना है, गीला नहीं करना है ज़्यादा। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो बैटर अगर पतला हो जाएगा तो दिक्कत होगी बनाने में, और ऐसा हमारा बैटर होना चाहिए। इधर हम क्या करेंगे, गैस पे पानी रख देंगे गर्म होने के लिए, और ये हमारे पास एक छन्नी था ऐसा वाला, इसे हम ढक के रख देते हैं। इस पर हम रोटी को रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम अब एक रोटी ले लेंगे, और उस पर पूरी चारों तरफ से बेसन के घोल को हम फैला देंगे। आप चाहे तो इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और इस तरह से अब हम रोटी को रोल कर लेंगे, और उसके बाद इसे हम जो हमने कढ़ाई रखी है उस पे हम हल्का सा इसे स्टीम करेंगे ताकि हमारा बेसन अंदर से कच्चा ना रहे, वो भी पक जाएगा। उसे उसके बाद हम इसी तरह चारों रोटियों को तैयार कर लेंगे, और इसको हम अब इस पे छन्नी पे रख देते हैं, और ये सिर्फ 10 मिनट में ही स्टीम हो जाता है। और उसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं, ये हमारी रोटियां स्टीम हो चुकी है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 4 ही रोटी बची थी, नहीं तो मैंने और रोटी की बनाई होती, क्योंकि ये कम पड़ गई थी सबके लिए, इतनी टेस्टी लग रही थी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रोटियों को काट लेंगे अब चाकू की सहायता से। आप चाहे तो मोटा और पतला कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसी तरह हम सारी रोटियों को काट के फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और कढ़ाई में जो तेल डाले हैं उसको अच्छे से गर्म होने के बाद ही इसमें आप रोटियों को डालें। उसके बाद इसे हम उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी लग रहा था खाने में। अगर आप इस ऐसी रेसिपी बनाए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हम सभी सारी रोटियों को फ्राई कर लेंगे इसी तरह। ये इसका स्वाद जैसे अरबी के पत्ते के पकौड़े लगते हैं वैसे आ रहा था, बहुत ही टेस्टी। और इसे आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे बताइएगा कि कैसा बना आपका। और यहाँ पर मैंने सभी रोटियों को फ्राई कर ली है, और आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी है। मैं आपको सुना भी देती हूँ इसकी आवाज़। इसके ऊपर से आप थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से छिड़क के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। मैं दिखाने के लिए भूल गई थी क्योंकि मैं बाद में इसको खाई। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर।